गाड़ी KUV 100 है और आज इसकी सीट कवर फिक्स वाले जो बकेट वाले होते हैं वो यहाँ पर हमारे वर्कशॉप पर बनाए जा रहे हैं। अब हम किस तरह से बनाएंगे आपको ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये। पहले तो उसकी सीट पूरी बाहर निकाल लेते हैं, जैसे अब इसके अंदर सीट है ही नहीं, हमने बाहर निकाली हुई है। और अब हम सीट सेक्शन में चलते हैं आपको लेके। ये हमारा सीट सेक्शन है, यहाँ पे सिलाई उलाई गद्दियों की जाती है। इसका ये पैटर्न इसे तैयार कर रहा है, ये दिखा भाई इसका पैटर्न कैसे तैयार कर रहा है। ये इसकी डिजाइन है, ये ऐसे में है, नीचे वाला भी दिखा भाई इसका, ये नीचे वाला। अब जरा सही से रख के दिखा कैसे फिट करेगा इसको। इसका नीचे वाला रखा, गोलाई होगी इसकी। गोलाई होने के बाद ये चीज अंदर। अच्छा, ये इस तरीके से आएगा। अच्छा, इसकी कटिंग, ये इसकी कटिंग जो है यहाँ से कटिंग होगी। ठीक है, अब इसकी कटिंग करके फिर दिखाना। कटिंग कर ले, ये लाइन है, कोई बात नहीं। हाँ, सामने आएगी। ठीक, कटिंग करके फिर रख के दिखाना। कर चलते इसकी सेटिंग। इसके बाद बस ये यहाँ से थोड़ा सा जोर से, जब तू रोड लगाएगा सीएगा ना, ये कर लिए। और अभी इसके बॉर्डर को सी रहा है, अभी इसमें नीचे पट्टी लगेगी। लगा लगा, जो भी लगेगा लगा। इसमें हम जो पीयू है वो मयूर का यूज़ करते हैं, सुपर क्वालिटी मयूर। ऊपर से फोल्ड करके ये ऊपर की सिलाई भी मार रहा हूँ। सिलाई भी रेड कलर की है। अच्छा, सिलाई भी सही रेड कलर में है। हाँ, यहाँ से सब ये डिज़ाइन बनाया। ये इसका क्या है, ये बकेट पट्टी के लिए। बकेट पट्टी के लिए
दोबारा अच्छी तरह से दिखा कैसे जॉइंट करेगा। इस ऊपर सीधा कर, इसे सीधा कर, ये इसके, ये हमने हाँ ये सीधा था, अभी हमने इसको पलटा, ठीक है, और ये बकट पट्टी इस साइड में आएगी, ठीक, ये अब तरीका सही समझने में आएगा ना। इसी तरह से इस तरफ ये, इस तरफ भी ये इधर की साइड में आएगी, ठीक। अब ये दूसरी बकट पट्टी, इसमें तार पिरोया जाएगा ताकि ये उसका गेटअप के लिए, ये गेटअप बहुत प्यारा सा है। अब यहाँ से यहाँ तक का हम एक तार होता पतला वो इसमें डालेंगे, ठीक, और इस जगह पे, इस जगह पे एक, इस जगह पे और इस जगह, इस जगह पे धागे बांध के इसकी खिंचाई करेंगे। ये बिल्कुल इसका गेटअप इस तरीके से सीट में दिखाई देगा जो हम आगे दिखाएंगे। अब ये साइड के बॉर्डर हैं इसके, ये साइड के बॉर्डर हैं, और ये कटिंग इसलिए कर रखी है इससे कि इसका रुख ये इस तरह से आ जाए, क्योंकि जब हम ये लगाते हैं तो झोल आता है नीचे। अब इस सिलाई से इसका झोल पूरा खत्म हो जाता है। और इधर भी यही कटिंग है, ये राउंड अबाउट के लिए है ना, चारों तरफ के लिए राउंड अबाउट, ठीक ठीक ठीक। अब सिर्फ ये देखना है इस जोड़ की बराबर है, इस जोड़ पे और इस जोड़ में ये हमें लगाना है दोनों को। बराबर करने के बाद इसकी कटिंग कर दी है, ठीक। अभी और है उस, और ये मैं सिलाई इसी पे रखूँगा, ये वाली दोनों सिलाई, यानी कि हाथ हटा, एक ये वाली सिलाई, एक ये वाली सिलाई और एक ये वाली सिलाई, ये इनके इन साथ ज्वाइंट के, एक इसके साथ और ये एक इसके। हाँ, अभी इस पे ऊपर से सिलाई, ठीक, लगानी है, ठीक। मिला लिया है ये, हाँ ये मिलानी है इसकी, और यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। बस यही ध्यान रख के चलना है कि जो दो सिलाई है ये आउट ना हो। ये कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे इसको। हाँ,
इसी बात का ध्यान रखा करना है। अब ये गद्दी का कवर पूरा सी दिया है इसमें, अगर ऐसा ये पूरा सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये फिक्स कवर के लिए, जो फिक्स ये एक तो लूज कवर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं उसमें, और इसमें ये फर्क होता है, इसकी फिटिंग एकदम एक्यूरेट आती है, परफेक्ट आती है, बॉकेट के साथ आती है। अब ये इसको मार्केट में जो मिलते हैं उसमें क्या होता है, इस तरह से फोल्ड करके इसमें डोरी डाल दी जाती है प्लास्टिक, ये लॉक पे फिटिंग होगी, केवल प्लास्टिक से और डोरी से वो रुकता है मार्केट वाला। और ये हमारा जो है ये बिल्कुल लॉक से जैसे कंपनी का होता, साफ सुथरा एकदम फिनिशिंग के साथ। रख के देखिएगा ये से कि ये परफेक्ट है कि नहीं। ये इस तरीके से इस पे आएगा ये, और इस तरीके से इसमें वो तो जब रॉड डालेंगे तो उसमें आ जाएगी इतना फिटिंग, वो बाद में दिखाएंगे। ये अभी सिर्फ साइज आपको मूवी दिखाएंगे, तार कैसे डलती है और इसकी फिटिंग किस तरह से। ये लेफ्ट की बड़ी सीट है, हाँ ये अब सारी सीटें इसमें सीधी है, ये सारी की सारी की बड़ी सीट हो गई। हाँ ठीक है वो सीट दिखा, सीट दिखा खाली, है ना, सिली हुई सीट मुझे दिखा दे। ठीक है, अब ये इसके अंदर तार डाल के फिटमेंट का काम शुरू करेगा, अब वो दिखाते हैं, मेन अहम काम वो है। ठीक है, हम स्पेशल इन्हें हटा लें और अपनी फिटमेंट शुरू करते हैं। जरा सा ये तार है जो ठीक है यहाँ पर आएगी, ये स्टील वायर है बकेट के लिए। अब ये तार बन रही है, बांध तार बांध, हाँ डोरी बांध, एक यहाँ आएगी सेंटर में, एक यहाँ आएगी सेंटर में, लगाता है बस। अब इसी तरह से ये दूसरी तरफ धागे बांधेगा, ये धागे बांध के फिर इस तरफ बांधेगा ये। ठीक है, कुछ कर लो भी सर, मैं ये दिखाऊंगा। और दूसरी बात, ये चार इधर और चार उस तरफ, ये धागे इसके साथ बांध लिए इसकी फिटमेंट के लिए। अब ये सीट के अंदर ये सुई की मदद से इस चारों को छह के छह इधर, अब ये इसकी फिटमेंट सीट की चढ़ाएगा। चलो अब तो सीट चढ़ा, जैसे आराम से बहुत प्यार से चढ़ानी पड़ती है।
अब इसे घुमा लें, ये अब यहाँ से इसकी ये अब इसके अंदर ये सब खिंचाई करके इसकी बकेट अब बनेगी। दिखा, अब ये बकेट की तैयारी करेगा ये। पहले इसकी ये सारी सेटिंग हो रही है, इसकी सिलाई जहाँ आनी है एकदम फिक्स कर रहे हैं। अब ये जो ये कितनी हैं ये रस्सियाँ, आठ नौ रस्सियाँ। अब ये नौ जो धागे इसे बकेट डोरी कहते हैं, ये बकेट डोरी से अब ये अपने हिसाब से जहाँ जिस तरफ से जितनी जरूरत होगी ये उतना ही इसको खींच देगा। अब आप देखिए कैसे खिंचाई करेगा। ये देखिए ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ से इसी को दबाएगा जो हिस्सा दबना है ताकि इसका लुक बहुत शानदार आए। यहाँ पे इसको लॉक कर देगा फिक्स। इसी तरह से सारी चीजों को फिट करेगा। अब उस साइड की ये वाले ऊपर की ऊपर की तरफ ना, पहले ऊपर ऊपर के दोनों दोनों सिरे ले जाएंगे। सेम तरीका वही है, सबसे पहले ऊपर के दो रस्सियाँ बकेट डोरी, यहीं से हाथ से दबा के प्रेस कर रहे हैं। दोनों बराबर देखनी पड़ती है। हाँ ये और ये, ये चीज बराबर आ गई है। यहाँ से ये और यहाँ से ये, सबसे पहले इन दो बकेट डोरी को खींचेंगे, ये यहाँ से लेवल करके फिर ये इस जगह पे आएगा, फिर ये इस जगह पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, लास्ट में ये इस कोने में इसी तरह से इधर आएगा, ये फिर ये नीचे वाली बनाएगा। अपलोड कर दी थी कल वाली, देखा तो सर वीडियो दिखाई दे रही थी। अब छोड़ दो ये, पर यहाँ आएगी और ये नीचे जाएगा, ये ठीक तरीका सर। अब ना चलूँ भाई ऑनलाइन।
एक एक करके सारी बकेट डोरी जहां से जिसकी जरूरत पड़ेगी उसे खींच के फिर इसकी सेटिंग करता है। और लेदर भी हम पीयू और मयूर में लगाते हैं, फर्स्ट क्वालिटी। अब ये सारी डोरी खींच गई इसकी। ऊपर का हिस्सा ये कंप्लीट कर दिया है, इसकी फिटमेंट हर तरफ से ओके फिटमेंट आ गई है। ये बकेट इसकी, ये बकेट, ये शानदार बकेट है, ये एकदम 1.5-2 इंच के करीब बकेट है ये। इसी तरह से इधर ये बकेट, ये नजर आ रही है बकेट। अब ये नीचे वाला हिस्सा लगाएगा। चल भाई नीचे वाला लगा भाई, भैया इसके धागे। क्या दिख रहा भाई? ये नीचे की तरफ पाड़ा हो गया पूरा बकेट टोरी।
तीन डाल दे है। अभी चौथी बकेट डाई डालनी है, ये बड़े हिसाब से डालनी पड़ती है कौन सी कहाँ पे आएगी, वो गद्दी का हिसाब बताता है कौन सी कहाँ पे आएगी। चार हो गई है, इसी तरह से चार इस तरफ की ये बकेट डोरी, ये चार बकेट डोरी है इस तरफ की है, ये डाल लेगा फिर डालने के बाद फिटिंग में दिखाएंगे। तो पड़ गई, अब मैं इसे पलटूंगा गरम करके। कर ले मैंने कर ले इसको ताकि सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हीट गन से गरम किया जाता है। तीन है क्या उसके पास सारी भाई, तो तीनों को ले। गद्दी को फिटमेंट करते हुए एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल आमने सामने आएगी, ये ऊपर से नीचे तक, इसी तरह से इसका बॉर्डर और इसका बॉर्डर, और ये जो ये बकेट वाला हिस्सा है इसकी डोरी जो ये खिंचाई करेगा इससे, जिसे ये खिंचाई करेगा ये यहाँ पे से, ये भी बिल्कुल बकेट के सामने आनी चाहिए, इधर से भी इधर से भी, और जो चीज़ हमने जहाँ पे कंपनी ने दी है उसी की एग्जैक्ट फिटिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आनी चाहिए। अब ये बकेट की डोरी इस साइड से खींचेगा भी इसको, पहले ये आगे से खींचना शुरू करेगा। ये देखो जैसे जैसे इधर से खींचेगा, अभी यहाँ पे इसकी इस जगह पे ये खिंचा हुआ है, इसकी ये बकेट बन रही है, आगे से थोड़ी बनी है अभी, अब ये सबसे नीचे वाली खींचेगी, खींच सही आ गया, इधर से कम है थोड़ा सा, साहिल भाई को जरूर भेज देना, बोला था पूरी वीडियो भेज दूंगा उसका, मैं दूर से बाहर रखूंगा इसका फोटो, केवल फोटो दिखाना फिटिंग। इस गद्दी की बात ही कुछ और है, इसके कई कलर लाके रखूंगा भाई, इसके कलर कई लाके रखूंगा, सुनावा है हाँ, कपड़ा इसमें चकोर डब्बे भी हैं और ये ऐसे वाले भी हैं, ऐसे ही है जिग जैक वाली, हाँ एक यही है था उसके पास उस दिन बस। अब तो भाई जी हर चीज में मतलब फैंसी चलता है, फैंसी, और इसमें तो फॉर्म लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, हाँ। अब तो इसमें तो लगा दी, मैंने इसलिए लगाई थी और उसमें भी इसलिए लगाई थी उसकी बेलवाल जी की माँ के पैसे नहीं मिलते बिना। ये सीट कम्प्लीट फिट हो चुकी है, ये इसकी यहाँ से ये बकेट ये एकदम शानदार आ गई, ये यहाँ से शानदार आ गई है, ये इसका ये कट निकाल दिया इस साइड वाला, ये कट ये। अब इसी तरह से ये सारी जो गद्दी है पूरी कंप्लीट कर देंगे, ये इसके पैटर्न ये सब तैयार रखे हुए, ये सामने ये सब सामान इसी का है ये रखा है, सब बाकी की
फिटिंग करके फिर गाड़ी में फिट करके दिखाते हैं। अब ये गद्दी गाड़ी के अंदर फिट कर दी है सारी। ये लेफ्ट हैंड की कंडक्टर साइड खिड़की है। अब इसका ऐसा लुक आ रहा है, ये इसकी पीछे वाली। क्या डाल दिया, और ये पीछे से ये पीछे का हिस्सा, ये इसमें दो जेब लगाई गई हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। कंप्लीट हो गई गाड़ी।